अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आपका देश में मौका मिला है डॉक्टर दामोदर जी, कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुआ था, उन्होंने आमंत्रण किया, आमंत्रित किया आने के लिए, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये सोचा था यहाँ पे कोई बाबा साहब बाबा मंदिर पर कोई प्रोग्राम होगा, क्योंकि पहले से प्रोग्राम मुझे मालूम नहीं था। उपस्थित होकर यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम आयोजन किया गया जिस विषय पर डिस्कशन करना, जो समाधान के लिए हम सभी वक्ताओं आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ये गंभीर विषय है, क्योंकि SC ST और माइनॉरिटी ये शब्द यहाँ पे विराजमान है, इसके ऊपर बहुत विषय है आलोचना करना जरूरत है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ जो डॉक्टर धर्मेंद्र जी को ऐसा एक प्रोग्राम इसके साथ दो तीन साल से करके आ रहे हैं। मेरा उम्मीद है आज वक्त जो अपना अपना विचार प्रकाश कर रहे हैं वो प्रकाश करने वाला है, सभी को विचारधारा जो उनका जो प्रकाश हो रहा है हम लोगों का, ये उम्मीद करता हूँ आने वाला दिन में कोई समाधान मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत हमारा सपने होते थे, क्योंकि हम प्रोग्राम मनाते हैं 100-200 हजार आदमी इकट्ठा होते हैं, वक्ता का भाषण देते हैं, श्रोता का सुनते हैं, फिर अपना अपने क्षेत्र में हम वापस जाना है। इसी रूप से काम करना से जो विषय पर ये प्रोग्राम करना जा रहा है, जो पिछले साल से हो रहा है आगे भी होंगे, इसका कोई समाधान इसी रूप से आएगा ये मेरा विश्वास नहीं है। क्योंकि बाबा साहब के शब्द है स्लोगन फॉलो करना बहुत जरूरी है। यह संघर्ष बाबा साहब शिक्षित बनाने के लिए बताया, यूनिटी के लिए बताया, शिक्षित हम लोग है, शिक्षित है इसलिए हमारा पास डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, IRS है, हम लोग यूनिटी है, हम संगठन करते हैं, बार बार कॉन्फ्रेंस करते यूनिट का काम है, लेकिन इसको संघर्ष क्या नहीं रहा है। मेरा ख्याल से ये संघर्ष होगा, हमारा सामने जो समस्या है ये पहले समस्या क्या है ये चिन्हित करना पड़ेगा। उसी समस्या पर जो जो फील्ड में हमारा अपने लोग है उन लोगों को बुला के ये समाधान उनका धैर्य क्या है ये हो सकता है वो निकलना पड़ेगा। तीसरा जो समाधान कौन करेगा
समाधान किसे मांगेंगे, ये नहीं करना पड़ेगा, ये समाधान कौन कर सकते हैं। ये तीन विषय जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा मीटिंग में रहेगा, भाषण में रहेगा, हम सुनेंगे, समझाएंगे, समझ लेंगे, समाधान होने का। कुछ देर पहले मैं कहता कुछ ना कर एसटीएससी और माइनॉरिटी ये जो समस्या है जहां बात कर रहे हैं तो समस्या के लिए एक कमीशन है, एक मिनिस्टर मिनिस्ट्री है इंडिया में। आप वहां ना जाने से, वहां अपील नहीं करने से, वहां क्या समाधान है वो जानकारी नहीं होना से ये समाधान हो नहीं पाएगा। तो मैं क्वेश्चन कर इसलिए क्या है, जितना बोधी संगठन है इंडिया में, पूरे इंडिया में मैक्सिमम संगठन को एक साथ लेके एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बना के जो बहुत तो जो समस्या है, जैसे माइनॉरिटी लोग से दो जो समस्या है, उद्योग का समस्या है, बुद्धि साहित्य का समस्या है, जो बाबा साहब का दीक्षा है वो भी का समस्या है, बुद्धि विहार का समस्या है, विकुशांग का समस्या है, हमारा जान इसी ओर से ये सामाजिक समस्या बहुत है। जैसे आप लोग जानकार होंगे 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज निकाला था, न्यूज इसलिए निकाला था भारतवर्ष एक संविधान से चलता है लेकिन माइनॉरिटी जो है भारत में वो भी एक संविधान से चलता है। जैसे इस्लामिक लॉ बोर्ड है, हिंदू लॉ बोर्ड है, हिंदू लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा जितना माइनॉरिटी ग्रुप इंडिया में है वो चाहते हैं अपना अपना लॉ का अनुसार अपना को समाज परिचालित करना चाहते हैं तो अपना अपना लॉ बनाना पड़ेगा। लेकिन बौद्ध लॉ, सिख लॉ, जैन लॉ, पारसी लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ये प्रस्ताव दिया आप लोग अपना अपना लॉ बनाइए, बना के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को रिकमेंड करेगा तो अपना अपना लॉ पास करना है। ये 2010 में एक पेपर आपको में आया, उसी टाइम हमारा जो समाज सदन चार पास बहुत लोग, मैं जो तो बिहार में रहता हूँ वहाँ पे मुद्रा में शामिल हुआ था, मैं एक सलाह यही देता आप जितना संगठन है संगठन को प्रतिनिधि लेके जब तक एक मजबूती कमिटी नहीं बनेगा क्या क्या हमारा काम है, क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको लेना है, जब तक ये इस तरह आलोचना नहीं होगा तब तक ये इसका समाधान हो नहीं पाएगा। इसलिए एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बना के इसके साथ साथ से बहुत तो समस्या के लिए मेरे उद्योग में 6 साल हुआ, 7 साल इसी साल में कुशीनगर में एक सम्मेलन हुआ, उसी रूप से हम विषय एक एक विषय पर उसी फील्ड के जो काम करते हैं उनसे हम सलाह ले रहे हैं, सलाह ले के एक मेमोरेंडम बना के जहाँ जहाँ देना है जहाँ से समाधान हो जाता है वहाँ पे हम देना के लिए प्रस्ताव ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो एसटीएससी माइनॉरिटी का जो समस्या है इसलिए तो गवर्नमेंट का कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन का कमीशन पर माइनॉरिटी संघ है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, जब तक मिनिस्ट्री का साथ माइनॉरिटी कमीशन का साथ हमारा जो एसटी कमीशन का साथ अभी एसटी कमीशन में बना हुआ है एससी एसटी कमीशन उसके साथ हम जब संपर्क नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या निर्णय ले रहे हैं गवर्नमेंट और कमीशन और जो समस्या क्या है ये जब तक हम सेमिनार रूप से पर्टिकुलर विषय पर एक फैसला नहीं लेंगे, ये फैसला हम शामिल नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है ये समाधान होना। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं
इंतजाम जो चाहिए इंडिया में, तो मेरा इच्छा है इसी विषय पर चर्चा करना, जो इसी विषय पर काम करना चाहते हैं उनके साथ समय होना, उनके साथ काम करना मेरा इच्छा है। आने वाला दिन में जो डॉक्टर साहब ने जो समिति बनाया, उसी समिति पर जो निर्णय लेने हैं, प्रस्ताव लेने हैं, हम मेरा तरफ से सर्वांगीण मिशन करूंगा। ये शब्द का साथ आप सभी को मंगल करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।